लाइफ अटैक, खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश तो किया, लेकिन उसके बाद बिहार की सियासत तेज है। उपेंद्र कुशवाहा ने बजट पर सवाल उठाया, कहा कि बिहार के दृष्टिकोण से ये बजट सही नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया गया। जिस पर जवाब देते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि MLC की बातों का मैं जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने, जरा सुनिए। जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो यह बजट हमको निराश करने वाला बजट दिखता है, क्योंकि बिहार लगातार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। हर सेक्टर में बिहार आगे बढ़ा है, काफ़ी आगे बढ़ा है। 15-17 वर्षों में जितना काम हुआ, आज़ादी के बाद उतना काम नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन उसके बावजूद हम विकसित राज्यों की श्रेणी तक नहीं पहुँच पाए। तो यह जो गैप है, इस गैप को भरेगा कि नहीं भरेगा यह गैप, और इस गैप को भरने के लिए क्या फार्मूला हो सकता है? फार्मूला एक ही है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार को इसीलिए हम लोग विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आपके बिहार के सहयोगी बिहार को लेकर कहीं ना कहीं राजकोष नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि ठीक कुछ नहीं। कोई विधान पार्षद क्या कहता है वो हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्योग को बहुत सकारात्मक बताया है और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बढ़ाई की है। बता दें कि इन दिनों BJP और JDU के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। JDU की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा लगातार संजय जायसवाल पर हमलावर हैं, और इसी वजह से कभी BJP की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को औकात दिखाई जाती है तो कभी उनको मंथरा तक बुला दिया जाता है। संजय जायसवाल यहीं तक नहीं रुके, उनसे कहा गया कि बिहार तो गरीब प्रदेश है, इस पर देश को खास ध्यान देना चाहिए, PM मोदी को खास ध्यान देना चाहिए, जिस पर भी पलटवार करते हुए संजय जायसवाल ने जवाब दिया। कहा कि दूसरे राज्यों की जो आबादी है वो बिहार से कई गुना ज्यादा है, और ऐसे में हम देखते हैं कि उन राज्यों से देश को पैसा मिलता है, और ऐसा नहीं चलेगा कि बिहार पिछड़ा बना रहे, दूसरे राज्यों की कमाई से उसका विकास हो, बिहार को आत्मनिर्भर बनना होगा। उनसे बराबर की आबादी है बंगाल की, उनसे भी हम 5% ज्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलता है, और बिहार सरकार के अपने भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पैसा कमाए और दूसरे प्रदेशों को दे। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम औद्योगिकरण की दिशा में बढ़े। बता दें कि 2005 से बिहार में BJP JDU की सरकार है, बीच में 1.5-2 साल के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो लगातार दोनों मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर 15-16 साल के शासनकाल के बाद भी बिहार अगर आत्मनिर्भर नहीं बन पाया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? BJP जिम्मेदार नहीं है क्या? ऐसे बयान देने से पहले अपने कार्यकाल पर गौर नहीं करना चाहिए क्या? बिहार को 15 साल के शासन के बाद आत्मनिर्भर बनाने की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? अगर बिहार डबल इंजन की सरकार के बाद भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाई तो फिर इस डबल इंजन वाली सरकार की दलील BJP JDU के नेताओं को नहीं देना चाहिए। खैर चलिए, BJP JDU में तकरार का दौर तो चल रहा है, कभी बजट पर निशाना साधा जाता है तो कभी एक दूसरे पर छींटाकशी की जाती है। कब तक ये नूरा कुश्ती चलती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।